फार्मासिस्टों के अभाव में दवा दुकानदारों को हो रही समस्याओं को लेकर दवा विक्रेता समिति के पदाधिकारियों ने गुरुवार को मंडलायुक्त जयंत नालिकर को ज्ञापन प्रेषित किया और समस्या के समाधान की मांग की, जिसके संबंध में दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया ने बताया कि प्रदेश में फार्मासिस्टों से ज़्यादा दवा की दुकानें हैं। लगभग 2.25 लाख फार्मासिस्ट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 30% फार्मासिस्ट प्रदेश के विभिन्न नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, सीएससी पीएससी पर कार्य कर रहे हैं और 20% फार्मासिस्ट देश के अन्य राज्यों में दवा की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 10% फार्मासिस्ट अन्य व्यवसाय कर रहे हैं और कुछ प्रतिशत फार्मासिस्ट की मृत्यु हो चुकी है, शेष बचे फार्मासिस्ट ही दुकानों पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो गिनती में आने वाले फार्मासिस्ट हैं वह दवा दुकानदारों को प्रताड़ित कर रहे हैं। वो लोग पूरे वर्ष का भुगतान एकमुश्त ले लेते हैं और 4 महीने के बाद फिर पैसा मांगने लगते हैं। नहीं देने पर डिग्री हटवा लेते हैं, जिससे दवा दुकानदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और दुकानदारों के समक्ष दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इस अवसर पर दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्रनाथ दुबे, महामंत्री आलोक चौरसिया सहित अन्य दवा विक्रेता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया ने कहा, मैं आलोक चौरसिया, महामंत्री दवा विक्रेता समिति। ज्ञापन दिया था वही फार्मासिस्ट समस्या को लेकर, चूंकि प्रदेश में उतने फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं हैं जिसके सापेक्ष दुकानें ज़्यादा हैं, तो कमिश्नर साहब ने कहा है जाके जो भी नियमबद्ध होगा, इनके पास ऑलरेडी किसी ने एप्लीकेशन दे रखा है, तो उसको दोनों को मंथन करेंगे, उसके बाद जो सही होगा वो करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई उसके प्रति होगी। अभी आप लोग क्या किस मांग के लिए आए हैं? अभी हम इसलिए आए थे कि प्रदेश में फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्टों की रजिस्टर्ड संख्या कम है, उसके सापेक्ष दवा की दुकानें लाखों की तादाद में हैं, तो नियम यह कहता है कि बिना फार्मासिस्ट आप दुकान नहीं चला सकते, तो सर का भी यही कहना है यार कि बिना नियम कैसे चलेगा, तो उसको एक बार उनके एप्लीकेशन आपके एप्लीकेशन को हम देख लेते हैं, फिर जो उचित कार्रवाई को दोनों को आमने सामने बैठा के फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं।